for now. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का बख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। महामती कहे ए साथ जी, ये नौतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को, जो भान देउ सब सक, सो भान देउ सब सक। आई के मुलाकात करी, धाम धनी अक्षरातीत वितक के घटनाक्रम का वर्णन करने जा रहे हैं। कल के अंतिम प्रसंग में हमने नौतनपुरी नवानगर जामनगर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की अंतिम लीला जब पूर्ण होने जाने वाली, मतलब पूर्ण होने वाली है, तो अंतिम घटनाक्रम में जब सतगुरु सुंदर साथ, पहले वालबाई, बीच में दो बार बिहारी जी और अंतिम भालबाई को मिहराज के पास बुलाने के लिए भेजते हैं, तो तीन बार तो क्या सच्चाई है बात में, ये पूर्ण रूप से श्री मिहराज को नहीं बताया। चौथी बार जब बालबाई आई और बोला कि मिहराज तुमको क्या हो गया है, सतगुरु बार बार तुम्हें याद कर रहे, बार बार तुमको बुला रहे, तभी जाके मिहराज को दुख हुआ कि मेरे सतगुरु मेरे को बार बार बुला रहे, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं। तब अंदर विरह जागा और अंदर से बस तत्काल निकलने की इच्छा पैदा हुई। सीधे ही वहां से निकले और यहां आगे बताया कि आई के मुलाकात
करी। श्री मिहिराज धरोल में थे उसी टाइम, कहाँ थे, कलाजी के वहाँ राज्य प्रबंधक का काम संभाल रहे थे। वहाँ से आए सीधे नवानगर नौतनपुरी और सतगुरु महाराज के चरणों में सीधे पहुँचे। कितने साल की जुदागी थी? 9 साल की। हमने कल प्रसंग में देखा कि 5 साल तो अरब की धरती पर, 4 वहां और 8 महीना गुजरात में अहमदाबाद, और उसके बाद 2 साल नौतनपुरी में रहे। एक ही पुरी में रहते हैं, दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। राज्य की कोई ऐसी विचित्र लीला हो रही है, राज्य का कोई ऐसा ही हुक्म है। और अंतिम 2 साल धरोल में कलाजी के वहाँ राज्य प्रबंधक का काम संभालते हैं, तो वहाँ सब कार्य लौकिक उत्तरदायित्व दूसरे योग्य व्यक्ति पर सौंप के वो जल्द जल्द सीधे ही नवानगर नौतनपुरी पहुँचे श्री सतगुरु के चरणों में। आए के सीधे ही उसके सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। सतगुरु महाराज उसी समय पलंग पर लेटे हुए थे और लेटे लेटे बोला कि कौन आया है। तब मिहिराज ने बोला कि मिहिराज की आत्म, मिहिराज आया है। तब तो सतगुरु महाराज के अंदर के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इतने आनंदित, इतने प्रफुल्लित हो गए और आनंद में उसके साथ बातचीत करने लगे और बोले कि अच्छा हुआ मिहिराज तुम आ गए, देखो 9 साल की जुदागी वियोग। और आगे और भी बातें करने लगे। इतने प्रसन्न था कि आवेग में आकर मिहिराज को सांत्वना भी देने लगे और कहने पूछने लगे कि मिहिराज आने में क्यों देर कर दी। तब मिहिराज ने बोला कि साफ बता दिया कि मेरे को किसी ने सत्य बात वहाँ रखी भी नहीं। बिहार जी आए तो अलग अग बहाने बनाते रहे, बालबाई आई तो पहली बार उसने भी सच्ची बात नहीं बताई, जब दोबारा आई तब उसने बताया कि सतगुरु महाराज तुमको बुला रहे। तभी मैं उसी क्षण जो राज्य प्रबंधक का काम था मैं दूसरे पर सौंप कर मैं आपके चरणों में पहुंच चुका हूँ सतगुरु महाराज। देखो सुंदर साह जी, इस घटनाक्रम को हम चिंतन करें, उसी प्रसंग में हम डूबे कि उसी टाइम की दोनों का जब मिलन हुआ उसी टाइम क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी। दोनों के हृदय में इतना अंदर विरह है एक दूसरे के लिए, कितनी मिहिराज के अंदर तड़फ थी कि बस मैं सतगुरु को कैसे मिलूं, क्योंकि मिलना तो चाहते से अरब के आने के बाद, लेकिन वालबाई की चुगली के कारण वो नहीं मिल पाए। और अंदर भी राज्य को मिलने की जो एक ज्वाला धधक रही है सुंदरसा जी, ये तड़प हमारे अंदर अभी नहीं जगी है। आज देखो मिहिराज के अंदर की शालीनता, आज देखो मिहिराज के अंदर का धैर्य, कितना धैर्य रखा 9 साल तक। जहां कार्य सौंपे गए बस वहां चले गए, वो शालीनता की प्रतिमूर्ति है। कितनी नम्रता है, सबसे तो धैर्य कितना है। जब इतनी बात रखी कि मेरे को किसी ने सत्य बात तो बताई ही नहीं सतगुरु, तो फिर सतगुरु ने बोला कि कोई बात नहीं तुम आ गए नहीं, हाँ अब तो कोई लौकिक कार्य के लिए जाने की कोई आवश्यकता है क्या,
या जाएंगे तो फिर धर्म के काम के लिए वापस आओगे ने? क्योंकि राज्य को किसकी लगी है? हमारी। हमको किसकी लगी है? दुनिया की। राज्य को किसकी लगी है? हमारी। हमको परिवार, रिश्ते, सगे संबंधी, पूरी संसार की तरह हमने लगा दिया है। जैसे ही सामने इंद्रावती आई ने, तब बस तू जाओगे तो नहीं ने, क्योंकि राज्य हमारे बिना एक क्षण नहीं रह पाते। हमने तो श्री जी से अलग हुए आज 400 साल गंवा दिए, लगाया नहीं है राज्य के पीछे। कितनी बार तन धारण किया होगा, कई बार पुरुष तन में आए होंगे, कई बार स्त्री तन में आए होंगे। ठीक है, व्रज में गोपिकाओं के रूप में हम आए थे, सखिया के रूप में, फिर भी बीच के समय में हमने कई तन धारण किए। क्या अभी हमारी माया की इच्छा पूर्ण हुई? क्या हमारे अंदर अभी लगी है राज्य की ओर? या सतगुरु जब इंद्रावती को देखा ने, क्योंकि उस पर सब उत्तरदायित्व है ना, जागनी का पूरा उत्तरदायित्व है, तो बोले कि अब कब तक माया में लगी रहेगी मेरी रूह? तो बोले कि फिर धर्म के काम पर आ जाओगे ने? फिर आगे बोला कि इंद्रावती, मेरे को तेरे धाम दिल में प्रवेश करना है। धाम दरवाजे इंद्रावती ठाडी करे रुदन। मैंने कल विस्तार से बता दिया था कि धाम दरवाजा क्या है और रोना विलखना क्या है। कल बताया था, आज मैं शॉर्ट रूप में बताऊंगी कि परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप ये आत्मा है। आत्मा तो इस शरीर का आधार लेकर जीव के दिल पर बैठकर अपने आत्मा का दिल में वो अपने प्रियतम को देख रही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से धामधनी अंदर विराजमान है। ऊपर फरामोसी के जो एक माया के आवरण के हिसाब से वो प्रत्यक्ष राज्य युगल स्वरूप को नहीं देख पा रही है। तो जो जीव का दिल है, अंतस्करण है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो उसी दिल में जो जीव दुखी है उसी द्वार से प्रवेश ना है। कोई वो दरवाजा नहीं जो दो भम ऊंचा वाला जो रंग महल का दरवाजा है, यहाँ इंद्रावती का धाम दिल में प्रवेश करना है। और नौ नौ साल की जो जुदागी है, ये जुदागी में जो इंद्रावती के जीव जो विलख रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो यहाँ यही बताया कि तू आ गई ने, बस मैं अभी तन छोड़ने के लिए, बस मैं तेरे ही इंतजार में थी। आके बस नेत्र से नेत्र मिल गए इंद्रावती और सुंदर भाई के। बीच में युगल स्वरूप तो है ही, क्योंकि राज्य और आत्मा के बीच में कोई माया की चीज आती ही नहीं। राज्य और रूह के बीच कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि रूह का बल ही इतना है। तो नेत्र से नेत्र मिलाकर बस होई सुख में दोनों एक रस हो गए, डूब गए। फिर आगे भोजन थाल, देवचंद्र जी ने बोला कि भोजन की थाली तैयार कीजिए, क्योंकि रूह आपस में एक दूसरे से कितना, उसको इंद्रावती की आत्मा का तो पूरा पता था, उसके पवित्र दिल को तो सतगुरु जानते थे, लेकिन उसके पुत्र सतगुरु देवचंद्र जी के पुत्र जो बिहारी जी, उसके अंदर परम धाम की रतनबाई की वासना थी, उस दिल की लीला को भी वो जानते थे। तो उसने क्या किया कि भोजन जब परोसा, फिर देवचंद्र जी ने आगे थाली रखी और बोले कि दोनों ब्रह्मात्माएं एक साथ में भोजन करो। मैं दो दिन पहले भी बता रही थी ने कि सुंदर सात को एक बार पहचान होने के बाद हमारा आचरण, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। का तो पहचान नहीं हुई है, जो पहचान हो गई है तो उसकी भी एक पहचान है, पहचान की भी एक पहचान है कि उसके अंदर सीधे ही झुकाव, नम्रता, बताए
ऐसा हो ही जाता है। इतनी कठोर मन के बैठती हूँ तो भी हो ही जाता है ऐसा। जब आगे थाल परोसा गया और बोला कि बिहारी जी साथ, मिहराज ने बोला कि बिहारी जी मेरे साथ में बैठकर भोजन करो, तब बिहारी जी नहीं माने क्योंकि उसकी उसका रोल ही ऐसा था, उसकी लीला ही राज जी ने मूल स्वरूप ने पहले से ही निश्चित कर ली थी, तो नहीं बैठे। फिर मिहराज ने सतगुरु को बोला कि सतगुरु बिहारी जी को बोलो कि मेरे साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करें। तब बिहारी जी बैठे तो सही लेकिन अधूरे मन से, अंदर से मन नहीं लगा। सुंदर सा जी ये किसी की बात नहीं है, मेरे को याद आई कि ब्रह्मात्मा एक ब्रह्मात्मा के बीच में जो द्वेष भाव रखती है, जो एक घृणा या ईर्ष्या का भाव रखती है, इतना नहीं एक परिवार में चार लोग भी रहते हैं तो सब मान लो कि परम धाम के है, लेकिन शायद जीव हो तो भी हमारा तो कर्तव्य है ना कि हम परम धाम की रहनी बताए, परम धाम की बातें बताए। तो चार परिवार के लोग भी जो एक साथ जुड़े रहकर भोजन नहीं ले पाते और अंदर भी ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखते तो कितनी दुख की बात है। यहाँ यही प्रसंग के माध्यम से हमको एक सीखापन, एक प्रेरणा दी जा रही कि सुंदर साथ जी परम धाम की ब्रह्मात्मा का तो गुण कैसा होना चाहिए, वो तो एक रस हो जाएगी एक ब्रह्मात्मा के सामने। इतना नहीं वो तो जीवों को भी सिखापन देगी, उसको भी ये समझाएगी कि हम तो वाहिदत के स्वरूप है, एक दिली के स्वरूप है, हम हमारा तन एक है, हमारा मन एक है, हमारा जीव एक है, हमारी मतलब तन मन रहनी खाना पीना हमारा सब कुछ, दिल भी हमारा एक है, सिर्फ हम वजूद से अलग है। देखो रास में यही बात तो बताई, आत्म सहुनी एक जदी से जूझवाते दी से देहरे, बताया ने रास की यही बात है। ये तो हम तो जागनी ब्रह्मांड में है, कहाँ है जागनी ब्रह्मांड में, रास में एक रस होके बताया। सखियों को पता नहीं था सिर्फ प्रेम के विलास की जब लीला हो रही है, ये तो परम धाम के करोड़वा भाग का प्रेम का एक बूंद आया है, वही बूंद में हम एक रस ओतप्रोत हो गई है। वह पता ही नहीं हमारे शरीर का, हम राज्य के साथ एक रूह दूसरी रूह के साथ जो रामते खेल रही है रास की, इतनी डूब गई है कि अपने शरीर का भी बोध नहीं है। तो देखो ये तो जागनी ब्रह्मांड की लीला है, ये भी अंतिम चल रही है, तो हमारी रहनी हमारा आचरण कितना ऊंचा होना चाहिए, मतलब उच्च होना चाहिए, हमारा चलने से दूसरे को एक शिखापन मिले कि देखो ये ब्रह्मात्मा है। हमारी पहचान क्या होगी, कपड़े तो हमने भी ऐसे पहने हैं, जीव सृष्टि ने भी ऐसे पहने हैं, ईश्वरी ने भी ऐसे पहने, ये तीनों में से पहचानेंगे कैसे संसार के जीव के कौन ब्रह्मात्मा है। सबका आकार भी एक जैसा है, वेशभूषा भी सबकी ऐसी है, तो कैसे पहचानेंगे हमारी रहनी से। तो यहाँ सतगुरु महाराज ने बोला तो बिहारी जी अधूरे मन से बैठे, पूरे भाव से तो नहीं बैठे। दोनों ने साथ में बैठकर भोजन किया, भोजन करने के बाद जब श्री मिहराज सतगुरु के साथ बातचीत करने लगे, कहाँ की अरब से लेकर, जब 1703 में अरब भेजे गए थे ना खेता भाई के काम के लिए, तहाँ से लेकर कैसे कैसे वहाँ खेता भाई के काम का जो लेन देन का जो हिसाब का जो रोजनिसी का था ये सब कुछ बता दिया, और वहाँ से आके कैसे बाल भाई ने चुगली की और सब जो मालमत्ता आई थी वो राजकोष में जमा हो गई, बाकी की जो बची थी वो भी, और आगे कैसे उसको भी जब्त किया था और जांच की, ये सब कुछ बातें, और दो साल वो
एक ही शहर में रहे, 2 साल धरोल रहे, ये सब बातें 9 साल की जुदागी की बात सब सदगुरु के सामने अभी हो रही है आपस में। और ये चर्चा करने के बाद जब सदगुरु ने देखा कि इंद्रावती की आत्मा पर पूरा जागनी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, क्योंकि जब दोनों का मिलन हुआ है, अभी 22 दिन का रहेगा, लेकिन एक बार जब विक्रम सन 1687 में हुआ था तभी भी उसके अंदर जागृत बुद्धि तो बैठी गई थी, और चर्चा में भी कई साल तक वो चर्चा सुनते रहे, और तभी भी सदगुरु ने पहचान लिया था कि जागनी का उत्तरदायित्व ये इंद्रावती के सिर पर है। तो यहाँ बताया कि हे इंद्रावती, आगे ये जागनी का सब कुछ कार्य आपको करना है, चलो मेरी आत्मा तो परम धाम की ओर मूल मिलावे की ओर वापस लौट गई है, अभी संसार की ओर और मेरा मन भी नहीं है, पूर्णतया हट चुका है। तो जैसे इतनी बात रखी तब सतगुरु धनी से देवचंद्र जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी स्वरूप की आत्मा सुंदरबाई स्वरूप परम धाम वापस अपने तन में लौटी, अंतर ध्यान लीला हुई। तब सब सुंदर साथ वहां बैठे थे, बहुत सी बातें हुई। तभी बुद्ध प्रकाश ग्रंथ में तो बताया कि भादरवा शुद्ध 14 बुधवारी मध्य रात वही बिहार जी को कुछ कछु शुद्ध शान, मतलब बिहार जी थोड़ी कुछ जान हुई, थोड़ी शुद्धि हुई, लेकिन महिराज वही विरह में डूबे कि मेरे धनी मेरे बीच से, ठीक है मेरे धाम दिल में ही विराजमान हो गए, लेकिन जिसको पहचान हो गई है वो अपने बीच से सतगुरु के अंतर ध्यान की लीला कैसे सहन कर पाते, वही स्थिति महाराज के जीव ने देखी। जैसे ही अंतर ध्यान लीला हुई उसके बाद सब सुंदर साथ, उसी टाइम सुंदर साथ जी तारतम वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, तो सबकी आस्था सबकी निष्ठा सिर्फ गादी सदगुरु के नाम और उसके तन पर ही रही। सबको ऐसा लगा कि हमारे बीच से सतगुरु धनी देवचंद्र जी चले गए तो गादी तो खाली हो गई, राज्य तो है ही नहीं, ये तो मूल मिलावे में वापस लौट गए, उसका नाम भी मिट गया, तो सबकी आस्था, क्योंकि वाणी का अवतरण हुआ नहीं था तो सबकी आस्था गादी पर थी। तो सबके अंदर होई व्यक्तिवाद, होई गादीवाद, जो जड़ता से सब फंसे चुके थे तो सब अपने अपने घर में यही मानकर बैठ गए कि राज्य तो परमधाम वापस चले गए, और जो चर्चा चितवनी का जो रोज ही कार्यक्रम चलता था वो वहाँ बंद हो गया, सब चुपचाप अपने घर में बैठ गए। किसी के अंदर परम धाम की कोई सुगंधी थोड़ी कुछ नहीं रही, 313 आत्माएं जगी थी फिर माया में सो गई। इसने सुंदर साथ जी में कई बार ये वाणी की वाणी को लेकर उसकी टीका आज समाज में कई विद्वानों के मुख से हुई है, कई महापुरुषों के मुख से हुई है, सुंदर साथ जी सुंदर साथ के मुख से हुई है। उसमें मैं कई बार सुंदर साथ को बताती हूँ कि जो ये सरसावा प्राणनाथ ज्ञानपीठ से भी ये हमारी तारतम वाणी श्री कुलजुम वाणी का 14 टीका हो चुकी है, उसमें 11 टीका का विमोचन भी हो चुका है, और सब सुंदर साथ समाज में पहुँच भी गई है, और सुंदर साथ जी जो 3 बाकी थी सनंद मार्फत और क्यामतनामा उसकी टीका तो हो गई है, और टीका भाव के साथ भावार्थ, मतलब अर्थ के साथ
भावार्थ भी है कि आपको सब पता चल जाए कि कहाँ का प्रसंग है, कहाँ का घटनाक्रम है और किसी को आधार लेकर ये समझाया गया है। तो सुंदरसा जी, मैं लगभग हर कार्यक्रम में हर जगह ये सब बात रखती हूँ कि जब तक हमारे घर में राज्य की वाणी नहीं पहुँचेगी, आप ध्यान से सुन लीजिए, कोई बात नहीं, प्रसंग आगे ना बढ़े तो हो जाएगा एक महीना, अभी हमारे पास 25 दिन 24 दिन बाकी है, ठीक है। कई सुंदर साथ बोलते हैं कि हमारे घर में राज्य की, देखो तभी तो वाणी उतरी नहीं थी, वाणी के बिना हमारा दिल कैसे शून्य रहता है, कैसे नीरस रहता है, कैसा प्रकाश, जब ज्ञान का अंदर नहीं जाता तो क्या होगा, जीव अंधकार की ओर तो भागेगा, भटकेगा माया की ओर, जड़ पूजा की ओर। तो यहां मैं कई सुंदर साथ को अलग अलग प्रोग्रामों में मैं बताती हूँ कि सुंदर साथ जी, घर में वाणी पधराइए, अभी तो जागनी का अंतिम समय चल रहा है, जागनी रास का भी अंतिम, तीसरा जागनी का, चौथा जागनी रास का अंतिम समय चल रहा है, तो आप अपने घर में वाणी पधराइए। तो सुंदर साथ जी बोलते कि दीदी कैसे करें, वाणी तो पधराए हम घर में, सेवा पूजा नहीं होती, कई बार हमारा बाहर जाना आना रहता तो राज्य की सेवा कौन करेंगे। तो मैं बताती हूँ कि सुंदर साथ जी, तो राज्य के बिना आप किसकी, अभी घर में राज्य नहीं है तो आप किसकी सेवा करते हो, तो बोलते हैं कि हम फोटो की सेवा करते हैं। किसकी, जो काल्पनिक चित्र बनाए देवचंद्र जी के या श्री प्राणनाथ जी के या युगल स्वरूप का जो सिंहासन पर विराजमान, वो फोटो वाली, तो हम काल्पनिक फोटो की हम पूजा करते हैं। तो मैंने बोला कि जो राज्य की वाणी, साक्षात राज्य आ गए इस संसार में, उसकी वाणी ज्ञानमय क्लेवर, ज्ञानमय स्वरूप भी हमारे बीच में अवतरण हो गया, उसके बाद भी अब फोटो की पूजा कर रही हो, तो ये तो बहुत, मतलब एक गलत बात नहीं, दुख की बात है। सच में मैं क्या कहूँ, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जब एक कुंवारी लड़की भी, मैं दृष्टांत नहीं देती लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, कि जब कोई लड़के के साथ अपनी मंगनी हो जाती है, जब तक शादी नहीं होती तब तक तो ये लड़के को फोटो अपने पास रखती है, उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो शादी के बाद क्या अपने घर में फोटो की पूजा करती है या पति के साथ रहती है। बीच का जो समय था मंगनी और विवाह के बीच का, तभी तो अपने घर में चलो फोटो रखती होगी, उसको देखती होगी, जो भी है चलो उसका चिंतन करती होगी, जो भी हो, लेकिन क्या शादी के बाद भी उसकी फोटो की पूजा करती होगी क्या? उसके बाद तो अपने पति के साथ अपना व्यवहार निभाएगी ने, जो भी सांसारिक व्यवहार है। तो हम आत्मा का क्या कर्तव्य है, हमारी क्या रहनी है, कि जब ब्रज में थे तब तो हमारी मंगनी हो गई, राज्य ने किरंतन ग्रंथ के माध्यम में बताया, प्रकरण के माध्यम से, कि उसके बाद हम रास में आए, उसके बाद ये जागनी ब्रह्मांड में बताया कि चार थंब रोपे, चोरी के चार थंब, पहलो ब्रज को, दूजो रास, तीसरो जागनी, अगले सदगुरु महाराज धनी देवचंद्र जी और चौथे श्री प्राणनाथ जी की, तो के चार थंब रोपे चोरी, और यहाँ आके हमारी शादी, मतलब हमको जो परम धाम की मूल निस्बत की, जो घर की पहचान नहीं थी, वो पहचान क्या कहाँ हुई, यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में, ब्रज रास में, घर की पहचान धनी की तो हुई लेकिन घर की पहचान नहीं हुई थी। तो मैं सुंदर साथ को बोलती हूँ, तो सुंदर साथ बोलते कि दीदी हम फोटो की तो पूजा करते हैं, फिर राज्य की सेवा हम घर में पधराए, फिर बाहर जाए तो इसकी सेवा कौन करेगा। तो मैंने बोला जिसने जिसने अपने हुक्म से एक अक्षर को हुक्म किया, और अक्षर अपने सत्ता के स्वरूप, एक ही नैन के पावे पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, क्या उसकी सेवा करने की कोई जरूरत पड़ती। जैसे एक राधावल्लभी मार्ग वाले एक छोटे पाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की जैसे सेवा करते, वो लोग जब बाहर जाते ना घर से,
कोई व्यवहारिक काम के लिए या कोई सगे रिश्ते संबंधी के घर, तो तब वो लड्डू गोपाल को दूसरे और अपने जो अनुयायी होते वहाँ पधरा देते कि हमारे बाल मुकुंद की सेवा कौन करेंगे। सुंदर साथ जी, ये पहचान करो कि कोई जड़ मूर्ति में या जड़ वो चीज में थोड़ी पर अक्षरातीत एक ही जगह, एक कोई मंदिर में या कोई स्थान में या कोई गादी में या कोई व्यक्ति के अंदर एक ही जगह थोड़ी बैठे रहेंगे, वो थोड़ी अक्षरातीत कहा जाएगा। अक्षरातीत तो सबके दिलों में बैठे हैं, मूल स्वरूप से तो मूल मिलावे में मूल स्वरूप से वहां बैठे, मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोई। यहाँ सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के धाम मतलब महामती के धाम दिल में बैठकर लीला की और मूल स्वरूप से मूल मिलाव में है। और छठे दिन में तो सब सुंदर सात के दिल में बैठे, ये कोई मंदिर के अंदर सीमित एक सिंहासन पर बैठ के थोड़ी वहाँ ही रहेगा। और पुजारी जी जब ताला खोले चाबी से और सब सेवा करे कि सुबह का बाल भोग लगाए तब राज्य खाए, फिर दोपहर का राजभोग लगाए तब राज्य खाए, फिर राज्य को सुलाए तब राज्य सोए, फिर ठावनी कर दी और दोपहर को 3 बजे फिर उठाए उठापन करे तब राज्य उठे, फिर शाम को भोग लगाए संध्या का, फिर रात को पुढ़ावनी, तो क्या राज्य कोई हमारे कहे हुए वचनों पर बंधे है क्या? वो उसको अक्षरातीत कहा जाता है। ये अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर के मन के स्वप्न के स्वरूप नारायण के संकल्प से इतने ये मोह सागर में एक पानी के बुलबुले की तरह करोड़ों ब्रह्मांड बनते उसके एक संकल्प से, तो अक्षरातीत की शक्ति का बल हम माप सकते हैं क्या? और उसको कहाँ बैठा दिया, एक देवी देवता के फोटो की तरह एक मंदिर में, और क्या मान लिया, क्या मान लिया कि मैं नहीं होगी तो सेवा पूजा कौन करेंगे। तो मैं और आगे समझाती हूं कि सुंदर साथ जी, राज्जी प्रसाद के भूखे नहीं है, राज्जी भाव के भूखे है, राज्जी प्रेम के भूखे है। चाहे कहीं भी हो आप, चाहे खेत में हो और शहर ग्राम में हो या और ही कोई भी स्थान में हो आप, वहाँ आपका समय निश्चित मतलब जो टाइम हुआ दोपहर का सुबह का या शाम का, तो आप वहाँ बस भाव से एक मानसी सेवा करके आप भोग लगा लीजिए कि राज्जी मैं आज मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं कहीं यात्रा में हूँ कोई जर्नी में हूँ, तो आप मेरा भाव हृदय का भाव ग्रहण कर लीजिए। तो राज्जी तो दिल के भूखे है, प्रेम के भूखे है, भाव के भूखे है राज्जी, तो वहाँ भी आरोग, आप ट्रेन में बैठे बैठे याद करोगे ना तो भी राज्जी वहाँ भाव से आरोग लेंगे। आप खेत में कहीं खेत के में पहने जाती ना तो पूछती हम पूरा दिन खेत में रहते कैसे करें, तो मैं बोला कि खेत में भी आप साथ में कुछ भोजन प्रसाद तो लेके जाती होगी ना, तो वहाँ जब दोपहर को आप खोले तब बस थाली में लेके बस इतना भाव ले लीजिए कि बस भोग का या 14 लोग तुम्हारी शाखा जो जो दिन जो भी आप बोल दीजिए या राज्य का बस सीधे मूल मिलावे में भाव ले लीजिए, बस वो भोजन आरोग रहे ऐसा ही भाव ले लीजिए कि त्रिजी भोम की प्रसाल में जो भी भाव लीजिए, बस राज्य को तो दिल चाहिए, दिल का अनंत प्रेम चाहिए। हमने क्या किया, बाहर की वस्तुओं से राज्य को खरीदना चाहा। क्या राज्य ऐसे थोड़ी है मूर्ख कि हम बाहर की चीजों से उसको खरीद लें? तो यहां सुंदर साथ जी बताया कि तारतम वाणी का अवतरण नहीं हुआ था तो क्या हुआ, सबकी आस्था कहां पर रह गई, जड़ चीजों पर तो रही, गादी पर रही रही ने, और नाम तो मिट गया देवचंद्र जी वाला, और तन पर रही तो उसको विचार आया कि तन भी चला गया हमारे बीच से, क्योंकि सदगुरु महाराज धनी देवचंद्र जी की जो तन था अंदर श्यामा जी तो चली गई युगल स्वरूप, तो किस धाम दिल में बैठ गए, महामती के धाम दिल में बैठ गए, तो तन को तो जामनगर में जो उसकी समाधि दी गई, तो सबको ऐसा लगा कि यहाँ तो कुछ बचाई नहीं रहा ही नहीं। तो यहाँ सुंदर साथ जी इस प्रसंग से सीख लीजिए कि हमारे घर में तारतम वाणी कुलजुम वाणी होनी चाहिए, रोज सुबह शाम उसका पठन होना चाहिए, क्योंकि उसी से घर के अंदर एक सुंदर वातावरण बना रहेगा, ये अच्छे अच्छी वाइब्रेशन अंदर
घर के वातावरण में फैलेगी, इतना ही नहीं, देखो स्वयं राज जी आए। मैं अभी वाणी में लूंगी, स्वयं तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, स्वयं धाम के धनी घर में ज्ञान में स्वरूप से विराजमान हो जाएंगे तो घर का वातावरण कितना सुंदर बन जाएगा। तो घर में वाणी पधराइए, सुबह शाम पढ़िए, दो बार ध्यान कीजिए। ठीक है दिन को ना बैठ पाओ, लेकिन सुबह को एक बार चार ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे 3 बजे उठ सको, 4 बजे या 6 बजे के बीच में कभी भी उठ सको तो 4 बजे अच्छा समय है। 3 बजे 6 बजे तक हमारी चितवनी पूरी होनी ही चाहिए। और रात को जब हम सोए इसी टाइम भी बस हम ध्यान करके ही सोए, चाहे हमारे पास भले टाइम तो बहुत है लेकिन हम दिन के काम करते करते थके मादे हैं, तो 10 मिनट का तो सिर्फ ध्यान करके ही हम सोए। ज़्यादा टाइम हो तो 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक राज जी के चिंतन में, चाहे रंग प्रवाली मंदिर में चले जाओ या चाहे मूल मिलावे में चले जाओ, आपके दिल में जो भी भाव उठे, क्योंकि अभी हमारा परातम तन कहाँ बैठा है, मूल मिलावे में। तो युगल स्वरूप के चरणों में आपके चिंतन करते करते आप जब सो जाओगे तो आपकी निंद्रा भी योग निंद्रा बन जाएगी। सुबह आप उठोगे तो जहाँ आपका चिंतन रात को नींद आने के टाइम पूर्ण हुआ था वहाँ ही तो आप उठोगे। बाकी घर का टेंशन चिंतन करते करते, विचार और मनन करते करते आप सोए होगे तो आप उठोगे फिर सुबह कहाँ, अपने चार पाई की बेड से। ठीक है, तो रात को क्या करना चाहिए, ध्यान करके ही सोना चाहिए। तो यहाँ बताया कि सबके अंदर बस सब नीरस, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं रहा। तो बालवाई आई कि मूल संबंध को सब सुंदर साथ ने भुला दिया है, मूल निस्बत को और मूल घर को और स्वयं अक्षरातीत को भुला दिया है। तो देखो निजानंद की राह, ये सच्ची जो राह है वो तो सब भूल गए। तो घर की चर्चा करने वाले, परमधाम की और अक्षरातीत की चर्चा ही नहीं होगी तो सबके दिल क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, नीरस हो जाएंगे। तो बालबाई आई महाराज के पास, उसने बोला कि महाराज देखो सब सुंदर साथ ने मान लिया कि भाई सतगुरु धनी देवचंद्र जी चले गए, तो सब अपने अपने घर में पूरी अज्ञानता की नींद में सो गए, तो क्या करना चाहिए, ये से जो चलता रहेगा तो ये गद्दी भी शून्य हो जाएगी। और जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की कितनी बड़ी महिमा थी, कैसे ही गद्दी पर बैठ के चर्चा करते थे, वालबाई का जो विचार था वैसे ही उसने बताया, कैसे ही चर्चा करते थे, तो ये गद्दी मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए, वहाँ फिर वंश परंपरागत या कोई भी उस पर गद्दी पर बैठना चाहिए। फिर वालबाई ने और एक प्रस्ताव रखा कि ये धर्म के अनुकूल जो उत्तरदायित्व या वंश वृद्धि से उत्तरदायित्व देना चाहो, तो वैसे तो देवचंद्र जी के पुत्र बिहारी जी है तो वंश वृद्धि में तो यही है वारिस में, तो हम ऐसा करें उसको बैठा दें। तो मिहराज तो कैसे थे, उसके अंदर तो परम धाम की निर्मल आत्मा बैठी थी इंद्रावती की। उसने बोला कि जो चाहो, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, मतलब बस सब कुछ धनी पर है। हमें तो बोलते रोज लेकिन एक काम नहीं पूर्ण हुआ ना, तो दोष किसको दे देते, राज्जी को। यहाँ महाराज ने बोला कि कोई बात नहीं वाल भाई, आपने जो इच्छा व्यक्त की वही हम करें। तो सब बस बिहारी जी महाराज को गद्दी पर बैठाने के लिए सब पूर्ण तैयारियां करने लगे। आगे इस प्रकरण में बताया कि पूर्ण तैयारियां करने के बाद अंतिम चौपाई में क्या बताया कि आसो मास में बिहार जी महाराज को गद्दी पर बैठाएंगे और महामती कहे सयनो ए बीतक पुरी नवतन, अब आगे को कहो याद करो मोमिन। हे सुंदर साथ जी, इतना जो घटनाक्रम था ये नवतनपुरी की बीतक का घटनाक्रम था और आगे का जो घटनाक्रम है ये इस संसार में
ध्यान से, इस संसार में जो तारतम वाणी का अवतरण होने वाला है, अब तक ये ब्रह्म वाणी कोई काल में उतरी नहीं थी, क्योंकि कोई काल में ब्रह्मात्माओं का आना हुआ ही नहीं था, तो राज्य को कैसे आना हुए, मतलब राज्य ब्रह्मात्मा आई तो राज्य का, वैसे तो राज्य पहले आए, लेकिन ब्रह्मात्मा आई तो राज्य तो कैसे रह सकते, वो भी आए और तारतम वाणी भी उतरी। पहले भी जो उदय हुआ पूरी जहां नवतन, चौदह पुरियों में उत्तम हुई जो दंधन, ये मध्य जो पुरी कहावे नवतन जेनु नाम उत्तम चौदह भवन मा जहां वालानो विश्राम। तो ये जो तारतम वाणी का अवतरण करने का एक ही सुंदर साजी लक्ष्य था हमारा उद्देश्य, कि ब्रह्मात्मा आई उसकी आत्मा को जगाने के लिए, उसको घर की धनी की और अपनी स्व की पहचान देने के लिए, ये तो था ही, लेकिन और क्या लक्ष्य था हमारा उद्देश्य, कि संसार युगो युगों से राह दिख रहा था, सुनियो दुनिया आखरी जो भाग बढ़े तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो दीदार करो खसम। तो जो ऋषि मर्षि पैगंबर तीर्थंकर अवतार ध्यान समाधि लगाते लगाते अपने शरीर और इंद्रियों को कष्ट देते देते सब बस इस समय की राह देख रहे थे कि ब्रह्मज्ञान इस संसार में आएगा और पूरे संसार को अखंड मुक्ति शाश्वत मुक्ति देंगे। तो ऐसे तारतम वाणी का अवतरण प्रारंभ होगा। अभी यहाँ वाणी तो अवतरण कहाँ पूर्ण होगा, फिर पद्मावती पूरी धाम पन्ना में, यहाँ से प्रारंभ होगा जामनगर नवा नगर में। तो यहाँ पहली चौपाई में बताया कि समंत 1712 तरे आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। शुरू कहां से किया कि अगले प्रसंग जहां आधा छूट गया के अटक गया, वहां से लालदास जी महाराज के धाम दिल में बैठकर महामती जी धामधनी स्वयं कह रहे कि सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1712 का समय था, आसो मास थे, और आसो तो भादरवा शुक्ल 14 को अंतर ध्यान लीला हुई, उसके बाद एक महीने के बाद, कितने महीने के बाद, एक महीने के बाद आसो महीने में मिहराज ने सबको जो जो सुंदर साथ जहां जहां बस रहे थे वहां सबको पत्र के द्वारा सूचना भेज दी, सबको अवगत कराया पत्र के माध्यम से कि बिहारी जी महाराज को सदगुरु की गादी पर बिठाया गया है, क्योंकि तभी फोन या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं थी। तो पत्र के माध्यम से सबको विदित किया कि बिहारी जी महाराज को गादी पर विराजमान किया गया है, और इतना नहीं, आगे बिठाया तो गया, लेकिन सबको पता है कि बिहारी जी महाराज की तरबियत मतलब स्वभाव कैसा है, ये आगे आपको अभी सुनने को मिलेगा। ठीक है, किसी की कोई सुंदर साथ की बिहारी जी महाराज पर आस्था ही नहीं थी, विश्वास ही नहीं था, श्रद्धा ही नहीं थी, हाँ सतगुरु थे तभी पूरा भाव था। तो यहां मिहराज ने सोचा कि बिहारी जी महाराज को गद्दी पर तो बैठाया, लेकिन कोई सुंदर साथ का भाव उसके चरणों में नहीं है, तो चलो मैं ऐसा करूं, आगे बैठकर मैं चर्चा करूं, और चर्चा में इतना सुख दूं कि उसको एक बिहारी जी महाराज के प्रति भाव जगे, इतनी नहीं बिहारी जी महाराज के प्रति भाव एक भाव प्रकट हो, ऐसा मिहराज ने प्रयास किया, बिहारी जी महाराज के प्रति भाव जगे
ऐसा मिहिराज ने प्रयास किया। और मिहिराज रोज आके बिहार जी महाराज जब चर्चा करने लगते थे तो आगे रोज बैठ के वो भी चर्चा करते थे, और इतना नहीं, पहले बिहारी जी महाराज कर लेते थे, बाद में मिहिराज भी चर्चा करते थे। और सुंदर साथ का भाव रोज प्रतिदिन बिहारी जी के चरणों में कैसे बढ़े, उसके प्रति सुंदर साथ कैसे भाव आगे बढ़ाए, रोज ही मिहिराज के दिल की इच्छा यही भाव रहता था। जैसे ऐसे करने लगे तो सुंदर साथ जो भूल गए थे इस मार्ग को, निजानंद की राह को, प्रेम के मार्ग को, तो वो भी उस राह पर अग्रसर हुए, वो आगे बढ़े। देखो गद्दी पर तो वो बैठे लेकिन चर्चा करके कौन समझा रहे हैं, वो आज हमारे समाज की आस्था किस पर है? बस गद्दी ही मूल है, जो गद्दी पर बैठा है वही राज्य की बात बता सकता है, और उसका ही मानो वही परम धाम पहुंचाएगा। आगे आप लीला सुनेंगे, जब गद्दी पर बैठाया गया तो बिहारी जी महाराज चर्चा करने लगे सुबह और शाम दोनों टाइम। लेकिन यह साफ बात बता दी कि जहां तहां साथ में बात बही जाहिर, चर्चा सी धाम की बिहार जी करे बाहिर। क्या बताया? क्या बिहार जी चर्चा तो करने लगे, पर कैसी चर्चा करने लगे? संसार की कोई लौकिक बातों को लेकर वो चर्चा करने लगे। क्योंकि क्यों ऐसी चर्चा करने लगे? उसके अंदर परम धाम का, धनी का, अपनी रूह के बारे में ये कोई यथार्थ ज्ञान परम धाम का अंदर था ही नहीं। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में कितनी चर्चा हुई, गांगजी भाई के घर अभी भी हो रही है, देखो तो गांगजी भाई के घर चर्चा हो रही है, तो वहां भी निष्ठाबंद बैठकर चर्चा भी नहीं सुनी होगी कि थोड़ी कुछ तो सुगंध अंदर चली जाए, तो इतना व्यवहार हो मतलब अच्छा करने लगे। तो देखो यहाँ चर्चा करे बिहारी जी बाहर, और यहाँ बताया है कि बिहारी जी राज्य के युगल स्वरूप की चर्चा करते थे, उसके बाघा और वस्त्र और स्वरूप की चर्चा करने लगे, और थोड़ी कुछ भी दूसरी बाहर की भी करते थे। तो सुंदर साथ जी बिहार जी महाराज कई बार सदगुरु भी चर्चा करते थे, तो उसी की बातों को लेकर और थोड़ा कुछ सुन के उसने स्वरूप सुंदर संकुल, बाकी तो यह प्रकरण तो किरंतन ग्रंथ उतरा, कब उतरा? यह तो नौतनपुरी से लेकर पन्नाची तक उतरा है, तो उसी टाइम का यही प्रकरण है। तो यहाँ बिहारी जी जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी जब ब्रज की, रास की और धाम की युगल स्वरूप का जब वस्त्र और भागा और आभूषणों का जब वर्णन करते थे, तो बिहारी जी ने थोड़ा कुछ सुना होगा, क्योंकि वैसे तो वो परमधाम की रतनबाई की वासना है, लेकिन राज जी ने उसको रोली ऐसा दिया है। तो यहाँ युगल स्वरूप के स्वरूप का वर्णन वो करते हैं, लेकिन बीच में एक घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है? नौतनपुरी से 2 कोस 5-6 किलोमीटर दूर, 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 2 कोस दूर एक सुंदर साथ रोज ही सुबह शाम दोनों टाइम चर्चा सुनने के लिए आते थे। थोड़े समय तो बिचारे आए, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको कोई पारिवारिक चिंता, कोई टेंशन आया, तो उसने बिहारी जी महाराज को जाके विनंती की कि हे महाराज जी, आप मेरी एक अर्जी सुनिए कि मैं पारिवारिक थोड़ी चिंता के कारण मैं दोनों टाइम नहीं आ पाऊँगा, ऐसा करिए ना, मेरे को एक टाइम की आप छुट्टी दे दीजिए, मैं एक टाइम आ जाऊँगा, एक टाइम मैं नहीं आ पाऊँगा। तब बिहारी जी महाराज का स्वभाव तो आप जानते ही हो, मैंने अभी बोला कि अभी उसकी लीला प्रारंभ होगी, तो यहाँ से लीला प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। तो उसने बोला, वो तो सीधे ही अंदर उग्र आवेग में आके बोला,
कि आपको दोनों टाइम आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी यहां नहीं आपका काम है, आप ऐसा करो अपने घर में ही रहो। तो सुंदर साथ बिचारे बहुत दुखी हुए। फिर उसने बहुत आजीजी विनंती की, लेकिन बिहार जी महाराज का दिल पसीजा नहीं, इतना कठोर दिल कोमल नहीं हुआ। देखो एक ठोस पत्थर होते ने, उसमें बार बार तुम घन मारो ने, कोई लोहे का वो मारते रहो ने, तो वो भी थोड़े टाइम के बाद तो उसके अंदर भी एक तिराड़ पड़ जाती है। या उस पर आप पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तो कोई सा अमुक सालों के बाद वो भी थोड़ी अंदर से खुला होता है, पत्थर भी दो तिराड़ करके अंदर से अलग होता है। लेकिन यहां वो सुंदर साथ सात दिन दरवाजे पर रोते बिलकते रहे, लेकिन बिहारी जी का दिल पसीजा नहीं। फिर उसने सोचा कि मेरा एक ही आश्रय है, एक ही आधार है, मिहराज का घर। वो सीधे ही मिहराज के घर चले गए। उसी समय उसकी पहली पत्नी फुलबाई थी और मिहराज राज दरबार में अपनी नौकरी पर थे, घर में नहीं थे। फूलबाई ने पूछा, उसको पता लगा कि सात दिन से खाया नहीं है, कुछ भोजन नहीं किया है, तो उसने खाना खिलाया। जब यह पता बिहारी जी महाराज को लगा तो उसने सीधे ही अपने द्वारपालों को संदेश भेज दिया कि अभी 4:30 बजने वाले हैं, अभी मिहराज राज दरबार से आएंगे, उसको वहां ही रोक देना है, अंदर आने देना नहीं है। और जैसे ही 4:30 बजे मिहराज रोज राज दरबार से वापस लौटते थे, वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। वहां पूछने पर पता चला तो फिर बिहारी जी ने अंदर बुलाया और बोला बिहारी जी महाराज ने कि मिहराज, मैं जिसको धर्म से बाहर निकालता हूं उसको आपकी पत्नी ने भोजन करवाया है। तब मिहराज ने बोला, ये क्या कोई गुनाह है भोजन करवाना, ये क्या कोई अपराध है, ये तो भूखे कोई भी लोगों को कोई भी भोजन करवा सकते हैं। तब बोले कि नहीं, मैं जिसको मना किया उसका ये काम उसने धर्म विरुद्ध क्यों किया, तो तुम ऐसा करो, अब आपको क्या चुनना है। मैं मतलब बिहारी जी ने बोला, आपको मेरे को चुनना है या धर्म को, दो में से, मतलब आपकी पत्नी को, धर्म और मैं एक हूं, मतलब मेरे को या आपकी पत्नी को। तब मिहराज ने बोला कि मेरे को धर्म चाहिए, धर्म पत्नी तो बस राज्य की जो ही इच्छा है बस वही होगा। देखो सुंदर साजी, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो, तीन सरत धाम की न छोड़ियो, सुरत पीछे फिराओ जिन। हम बोलते तो है कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन, लेकिन हम सुंदर साथ जी थोड़ी कुछ संकट आया जाए ना हमारे पर, थोड़ी भी विपत्ति आ जाए ना, राज जी छूट जाते हैं और देवी देवता और मन्नत मांगने लगते हैं। शायद संप्रदाय भी कोई कोई तो बदल देते हैं कि भाई इस संप्रदाय में कोई फायदा नहीं है, चलो और मत पंथ चल रहे हैं, वो तो कितने सुख समृद्धि में डूबे हुए हैं, तो चलो हम उधर की ओर दीक्षा ले ले। यहां क्या बताया, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन, तो भी भलाई किसमें उसने सोची कि बस धर्म है तो मेरे लिए देह है, जो धर्म नहीं है तो मेरे लिए संसार की सब कुछ चीजें नश्वर है। धर्म रक्षति रक्षितः। तो यहां सुंदर साथ जी जब मिहराज वहां फुलबाई को पता चला कि मिहराज घर पर नहीं आए, भोजन नहीं किया, तो उसने भी भोजन का त्याग कर दिया और एक संदेश भेजवाया
उसके पति को मीराज को के स्वामी जब मेरी अंतिम लीला पूर्ण हो, मेरा अंतिम संस्कार के समय आप आ जाना और मेरी जो राख हो नीचे जो छल अंतिम मिट्टी बचे उसमें आपने आपके चरण अंगूठे को स्पर्श करना, तो मेरे अंदर बैठी हुई जो अमलावती की, फुलबाई के अंदर कौन सी आत्मा थी, अमलावती की, तो अमलावती की आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर, जैसे दिल में भाव ले लिया, वहां संदेश भेजवा दिया, 6 महीने हो गए फुलबाई ने भोजन नहीं किया, 6 महीने के बाद फुलबाई ने तन छोड़ दिया। मीराज वहां पहुंचे अंतिम संस्कार के समय, उस राख पर चरण अंगूठे दाहिने चरण अंगूठे को रखा, अमलावती की आत्मा ने मीराज के अंदर प्रवेश कर लिया, मीराज मतलब इंद्रावती के धाम दिल में प्रवेश कर लिया अमलावती की आत्मा ने। सुंदर साथ जी, तो ऐसी एक घटना वहां घटित होती है, कहां, नौतन पुरी में। और इससे हम आगे बढ़े और जो आत्मा प्रवेश कर गई, और फिर हम आगे जब धोराची पहुंचेंगे तो आत्मा के लिए कोई उम्र नहीं होती है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ती है, जन्म तो सिर्फ जीव लेता है, आत्मा तो एक तन जब तैयार होता है उम्र का तब उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। यहाँ आगे बताया कि जो बिहारी जी महाराज गद्दी पर बैठे, उसके बाद श्री मिहिराज ने चर्चा चितवनी सब जो कार्य शुरू कर दिया था, और आगे बैठ के बिहार जी महाराज के प्रति भाव भी प्रकट करते थे, तो यहाँ उसके अंदर और भी विचार उठने लगे। उसको ऐसा विचार आया कि मैं सब सुंदर साथ को एकत्रित करके एक साथ सबकी सेवा मेरे से हो, और सबके बस एक जगह, सब एक जगह बैठ के एक साथ चर्चा सुने, एक साथ चितवनी का आनंद ले। तो उसने वहां प्रीति भोज का वो और चर्चा का भी कार्यक्रम सुंदर साथ जी रोज ही शुरू कर दिया। वैसे तो शुरू ही था, मतलब बिहार जी गद्दी पर आने के बाद सबकी इच्छा नहीं थी बिहार जी के प्रति, तो यहाँ मिहराज ने ये कार्य भी शुरू कर दिया। यह एक कुरान का उदाहरण दिया गया है कि ज्यादा किया दिन को यहिया ने इष्ठाम। कुरान में एक प्रसंग वर्णित है कि जिकरिया के पुत्र जो यहिया था उसने ये दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया था। वैसे जिकरिया के पुत्र यहिया कौन है, सतगुरु दणिसी देवचंद्र जी के 2 पुत्र थे, एक नस्ली और एक नजरी। तो नस्ली पुत्र कौन थे, बिहारी जी, एक नाद पुत्र एक बिंदु पुत्र। तो यहाँ नस्ली पुत्र बिहारी जी थे और नजरी पुत्र मिहराज थे। तो यहाँ मिहराज ने ये धर्म का जो जागणी का आगे का काम था मिहराज ने अपने सिर पर लिया, और सबकी आत्माओं को परम धाम की ओर मूल मिलावे की ओर ले चलने के लिए अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प बना लिया। इतना ही नहीं कि बस मैं जब तक ये सुंदर साथ नहीं जगेंगे तब तक मेरी आत्मा इस संसार में, क्योंकि 5वें दिन की शोभा किसको दी है, महामती के धाम दिल को दी है। तो यहाँ सुंदर साथ जी, फिर इतने से नहीं और आगे मिहराज बैठ के चर्चा करने लगे और सबके भाव बढ़ाने लगे, लेकिन मिहराज को ये पता नहीं है कि मेरे धाम दिल में युगल स्वरूप बैठ चुके हैं। ये पता इंद्रावती की आत्मा को अभी नहीं है, तो वो कैसे नहीं है, ये यहाँ ये चौपाय से पता चलेगा कि वो रोज चर्चा करते थे। और जो किरंतन ग्रंथ के पुराने किरंतन है, किरंतन ग्रंथ के 125 नंबर के प्रकरण से लेकर 132 नंबर तक का जो प्रकरण है, वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ 4, और अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, तब तक का जो प्रकरण है किरंतन ग्रंथ का, ये मिहराज के नाम पर विक्रम संवत 1712 से लेकर 15 के बीच में
ये प्रकरण के कुछ अंश भी उतरते हैं और चर्चा भी करते हैं, लेकिन यह मिहराज को पता नहीं कि मेरे अंदर स्वयं धाम के धनी बैठे हैं। तो यहाँ सुंदर शाह जी मिहराज चर्चा करते थे, पर कब, लेकिन कब करते थे? पहले बिहार जी महाराज की चर्चा सुनते थे स्वरूप की, क्योंकि उसको बुरा ना लगे। फिर बाद में सुंदर साथ को एकांत में ले जाकर वहां युगल स्वरूप और सुंदर साथ के अलावा कोई संसार की दूसरी बातें नहीं करते थे। जो चलो चलो रे साथ जी अपन जाइए धाम, उसकी दूसरी नंबर की चौपाई में बताया, महोल मंदिर अपनो देखिए, महोल मंदिर अपनो देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर, जीत है लीला श्यामा श्यामा जी, जीत है लीला श्यामा श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, हो चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन धनिए बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, साथ तुम मिला आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, भूल गए सो मूल मिलाप, भूल गए धाम धनी के वचन, भूल गए धाम धनी के वचन, सुधन रही वृद्धि आप, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। जाना है ना बच्चों धाम, परम धाम। चलो ठीक है, तो सब सुंदर साथ को जाना है ना परम धाम, तन छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं सुंदर साथ जी। पूज्य स्वामी जी कई चर्चा में बोलते हैं कि चितवनी के करने से कि कई लोगों को डर रहता है कि भाई हमारा तन छूट जाएगा, तन छोड़ने की बात नहीं है यहाँ, आत्मा के भाव से आत्मा को लेकर परात्म का श्रृंगार सजकर मूल मिलाव में पहुँचना है। यहाँ क्या बता रहे हैं इंद्रावती जी, सब सुंदर साथ को एकांत में ले जाकर साथ जी धनी धाम उसके सिवा कोई बात ही नहीं है। क्या बोला, हे सुंदर साथ जी अपने माहौल को देखिए, अपने मंदिरों को देखिए, देखो कैसे 24 सांस के जो महल बने हैं उसमें कैसे चौस महल बने हैं, कैसे 24 फवारे लगे हैं, कैसे 24 जल कुंड बने हैं, कैसा ऊंचाई से ये फवारे नीचे गिर रहे हैं, बीच में भी देखो टापू कैसा आया है, आकाशी चांदनी कैसी आई है। तो जब ये महलों की बात करते हैं, वैसे तो झवेरों के भी महल है, देखो सुंदर साथ जी 4 भूम के महल, 8 भूम के, 16 भूम के, 32 भूम के, 64 भूम के, फिर नीचे फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, तो ऐसे जैसे 9 फिरावे में कैसे झवेरों के महल की शोभा आई है, एक एक महल में कितने नंग जड़े हुए हैं, एक एक नंग में कितने रंगों की जलकार निकल रही है। सुंदर साची अपने माहौल को तो देखिए, ये संसार के घर को, ये गोलिका को आप अपना घर मान बैठे हो,
राज जी ने वाणी में क्या बोला, ये गोलिका को अपना घर माने बैठे हो, ये 100 बार 200 बार का या शायद किसी किसी का तो 50 बार का इतना छोटे से घर को अपना अनादि घर मान लिया है। सुंदर साची ये हमारा घर नहीं है वसंत भाई, हमारा घर तो कहाँ है मोमिन, पंजाब में है, फाजिल का तो अबोहर, कहाँ है सुंदर साची हमारा घर परम, कोई पूछे तो क्या बोलना, हम कहाँ से आए हैं और फिर जाना कहाँ है। हाँ ये घर हमारा नहीं है, यहाँ भी ये बता रहे कि सुंदर साथ जी 5-7 दिन या 5 साल या 10-15 साल से इस संसार में रिश्ते के साथ संबंध जुड़े, उसको अपना मान लिया और जो अनादि से जिसके साथ हमारा संबंध था है और रहेगा, वो नहीं था थोड़े दिन के लिए है फिर नहीं रहेगा, तो उसी को क्या मान लिया हमारा, इसमें हमारा कुछ नहीं है। और आगे बताया कि साथ तुम मिल आए धाम से, तुम सब साथ मिलकर परम धाम से बाहर आया, चलो खेल देखने के लिए आए हो तो दृष्टा के रूप में आप खेल को देखो ने, आके भूल गए वहां तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आके धनी को भूल गए घर को भूल गए, चलो तब तक तो ठीक है अपनी आत्मा को भी भूल गए, कितने अंधेर में कितने अज्ञानता में अब चल रहे हो, तो यहां ये बताया साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, वहां कैसे मेला होता था। देखो हमारे बच्चे या हमारे संस्था से कितने आमंत्रण के लिए हमारे गुरुजी ने सब ने आमंत्रित किया होगा, गांव गांव में ग्राम ग्राम में बोला होगा ने, शहर में कि सुंदर सा जी आइए बीतक सुनने के लिए, आइए बीतक सुनने के लिए। रोज में देखती हूँ 50 से ज्यादा कभी भी नहीं हुआ, और वहां से कितने साथ एक साथ आए हैं, साथ तुम मिल आए धाम से कितने सुंदर साथ आए हैं, 12,000 आए, क्या 12 साथ में रह पाई एक शहर में, एक सोसाइटी में 2 भी नहीं साथ में रहती है। देखो ये भी कई सत्संग चर्चा होता ना तो कितने फोन अलग अलग सोसाइटी अलग अलग ग्राम या अलग अलग शहर में करना पड़ता, ये राज जी ने पहले से बता दिया था कि एक साथ 12,000 जा तो रहे हो लेकिन एक ग्राम के एक शहर में आप 12 भी साथ में रह पाओगी नहीं, मेरे को भूल जाओगी घर को भूल जाओगी, यही तो हुआ, क्योंकि राज जी ने देखने के लिए बोला था, हम खेलने लगे, मान लो स्टेडियम हो उसमें क्रिकेटर लोग खेलते हैं ठीक है, ऑडियंस लोग क्या करते स्रो ये देखते ने, वो खेलते नहीं ना क्रिकेटर खेलते ठीक है, तो जो बैट और बॉल की जो भी मरामत खेली जा रही है उसमें जो लगे गई चोट तो ऑडियंस को लगेगी या बैट बॉल खेलने वाले को लगेगी, खेलने वाले को लगेगी ना, खेल रहे ना वो लोग ठीक है, हम श्रोता के ऑडियंस के रूप में वहां बैठे देखने के लिए ठीक है, तो थोड़ी अब ऐसे ही बस झटका लगेगा देख के कहो देखो ये क्रिकेटर को चोट लगी ठीक है, लेकिन हमारे अंदर घाव नहीं बनेगा, यहां हमने क्या किया, देखने के लिए आए थे लेकिन खेलने लग गए, दुख आपने तोज थाई छे जो संसार की जी अति भारी जी, निज घर को याद करो तो दुख तुमसे कुछ नहीं है, इस संसार ये माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। हाँ राज जी ने बोला कि जो मैं कहूँ इतना करो तो, बाकी तो हर पल माया घेरा डाल के ही बैठी है, तो यहां महामती जी इंद्रावती जी सुंदर सा जी या इंद्रावती जी चर्चा मतलब मिहराज चर्चा कर रहे हैं, महामती इंद्रावती जी इसलिए बोला जा रहा है कि उसको ये शोभा है ना, आगे तो ये शोभा भी लग जाएगी जब अवश्य से आएंगे वो प्राणनाथ के स्वरूप बनकर आएंगे, लेकिन यहाँ बोलूँ तो भी कोई गलत नहीं है ठीक है, तो यहाँ जब मिहराज चर्चा करते हैं
और चर्चा करते करते बहुत समय गुजर गए तो उसके अंदर एक आत्मदृष्टि खुल गई। देखो सुंदरसा जी, इस चौपाई के माध्यम से क्या प्रेरणा दी राज जी ने कि हम हमारे घर की धनी की हमारी लीला की शोभा की आपको जितना भी पता हो, आपको ऐसा विचार आता ना कि दीदी आपकी तरह तो हम चर्चा नहीं कर पाते, आप जैसे हम बता नहीं पाते, क्या करें, हमको याद नहीं रहता इतना। कोई बात नहीं, जितना भी याद हो, ठीक है, थोड़ा कुछ तो याद रहेगा ना दो घंटे में, ठीक है, ऐसे आज सुना, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, जितना भी अंदर राज जी ने अखंड कर दिया चित्त में, ठीक है, ये आप दूसरे को बताते चलो, दूसरे तीसरे को बताते चलो, ऐसे ही बात फैलने लगेगी। भले माया के जीव भी कोरे के कोरे क्यों ना हो, एक बार बताओ दोबारा बताओ, जो वो उसका अंकुर नहीं होगा, वो माया के जीव हो गए तो नहीं लगे, उसको छोड़ दो, ठीक है, लेकिन एक बार अपना कर्तव्य पूरा करो, आप बताते रहो। चर्चा करने से क्या होगा आपके दिल के अंदर, ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े मंच पर बैठ के करने लगो, कोई बात नहीं, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आसपास के छोटे छोटे ग्राम में, कहीं भी राज्य की शोभा मिलेगी, तो कई बार बड़े मंच में, बड़े भंडारे में भी राज्य शोभा देंगे, ठीक है, ये राज्य के दिल के अंदर की बात है। तो यहाँ बताया कि जैसे जैसे आप चर्चा करते जाएंगे तो यहाँ मिहराज के अंदर बैठी हुई आत्मा के आत्मचक्षु अंदर खुल गए और जो परमधाम और धनी की जो गुह्यतम बातें थी वो भी अंदर खुलने लगी, क्योंकि वो रोज चर्चा कर रहे थे ना परमधाम की, राज्य की, ब्रह्मात्माओं की, लीला की। यह बताया ना माहौल मंदिर में अभी ने चर्चा की परमधाम की, तो यहां भी दिल खुल गए और दिल खुलने के बाद सुंदर साची उसके अंदर एक विचार आया। क्या विचार आया कि राज जी ने बताया अंदर दिल के अंदर, क्योंकि अंतर की आंखें जब खुले ने तो रोज नए नए विचार अपने अंदर आएंगे। क्या विचार आया कि यह माया तो कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मिक बल जगाने अंदर से, अभी हम जीव के बल पर दौड़ रहे हैं। जब आत्मिक में कल बताया था ना, आत्मिक बल जगेगा ने तब माया का कुछ नहीं चलेगा। तो यहां मिहराज के अंदर विचार आया कि माया तो कुछ नहीं है, हम तो परम धाम में बैठे हैं, वहां से सिर्फ दृष्टा के रूप में आत्मा के एक स्वरूप से हम एक खेल नजर के राज्य के हुक्म की नजर से हम खेल को देख रहे, राज्य तो हमारे परातम के एकदम निकट है, राज्य तो परातम से एकदम निकट ही बैठे, हमसे दूरी नहीं है राज्य। देखो इतना ही नहीं, आगे विचार आया कि राज्य तो प्राण नली से भी निकट है, हक नजीब सेहरग से आडो पटन द्वार, राज्य तो प्राण नली से भी निकट है। इस अंदर खुलने लगे विचार, अंदर आने लगे और भी अंदर एक आनंद की लहरें उठने लगी और लहरें उठने विचार आया कि धनी तुम इतने निकट हो, तो अंदर भाव में वो डूब गए। विचार करते करते अंदर भाव में डूब गए, भाव में डूबे तो अंदर से एक सेवा का भाव प्रकट हुआ। देखो कैसे राजी एक प्रसंग से लिंक वाइज कहाँ जोड़ रहे कि तुम दूसरे को चर्चा करोगे ने तो तुम्हारे अंदर आत्मचक्षु खुलेंगे, ठीक है, आत्मचक्षु खुला तो प्रेम का भाव जगा। बताया ना व्रज में रास ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण में प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी, प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी, व्रज तणिया वार रे, ये वचन जोई चालिए कई नरसया ताना नीर धार रे, व्रज ताना साथ सांभड़ो रे, कौछु लागी ने पाय रे, काम करंता
अति घना पण खीण नव छोड़ियो नेहारे। ये दो चौपाई के माध्यम से राज जी ने क्या बताया कि जब अंदर प्रेम आएगा, आत्म चक्षु खुलेगी, तो सेवा का भाव प्रकट होगा। देखो महाराज की आत्मा के अंदर सेवा का भाव आया, क्या विचार आया कि मेरे सुंदर साथ माया में आए हैं, भूल गए हैं। उस बिचारे को तो कुछ पता ही नहीं, धनी को भूले, धाम को भूले, स्वयं अपनी आत्मा को भूले। तो चलो ये सबका उत्तरदायित्व, ये जागनी का काम तो मेरे सिर पर है, मैं उसको क्या करूं, ये सेवा करूं। क्या सेवा? तो फिर विचार आया कि सुनरा आओ अवसर केम भूलिए। और मान के दे अखंड फल पाइए, पाई के क्यों वृथा गमाइए। संभारो साथ, संभारो साथ, अवसर आयो छे आठ जी, आप नाख्या जेम पहले फिर वली नाखचो ए मानी घात जी, संभारो साथ अवसर आयो छे हाथ जी। सुंदर बाई आपण माटे आव्या छे आणी वार जी, ए आपण ने अलगान करे कई मोकल्या छे प्राण आधार जी। क्या अवसर आया है, ये जागनी का अवसर आया है। यहाँ इंद्रावती की आत्मा विचार कर रही है कि देखो ये जागनी का सुनहरा अवसर पाया है। देखो मेरे धाम दिल में सुंदर भाई बैठ के, ये श्यामा जी, ये युगल स्वरूप बैठ के ये जागनी का काम तो वही करवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूं, सब कुछ कहलावत करावत तुम, सब कुछ धनी तुम करवा रहे हो। तो मेरे धाम दिल में बैठकर वही तो धाम धनी कहला रहे। तो मैं ये सुंदर साथ की क्यों सेवा कर लूं? और सेवा भी तीन प्रकार से होती है, तन मन और धन। इसमें भी कई विभाग है कि तन की सेवा, शारीरिक सेवा में भी कई बार मन भी लगाए, अंदर से हम तन भी लगाए तो मन की भी अंदर से सेवा होती है, एक जीव की अंतस्करण इंद्रियों के माध्यम से होती है। बाकी बताइए कि धन की, जो आपके पास आर्थिक जो धन संपत्ति हो तो वो लगाओ। मैं एक दिन बोला था ने कि ऐसा नहीं कि अभी बीतक के टाइम पे ही रसोई की सेवा दो। मैंने देखा कि यहाँ बीतक के टाइम पे ही परंपरा चलती है, क्यों बीच में भी हम ना दें? इसलिए थोड़ी कहीं समय निश्चित है रसोई देने के लिए कि भाई बीतक है तभी रोज ही एक एक सुंदर साथ की रसोई रहेगी। अरे भाई बीच में बहुत से ऐसे हमारे घर में प्रसंग आते हैं, कोई मैरिज एनिवर्सरी का, कोई बर्थडे का, या कोई भी अन्य विवाह शादी का, तो तभी आप एक दिल में भाव ले लो। भले आप आ सको ना आ सको, आप फोन से आप बुक करवा दो, नोट करवा दो कि आज हमारी ओर से रसो रहेगी। सुंदर साथी हम होटल या बाहर रेस्टोरेंट में जाके हम परिवार के चार लोग तो खाएंगे, बहुत तो बहुत संसार के माया के रिश्तेदारों को लेके जाए तो 15 लोग 20 लोग खाएंगे। और कितना खर्च करके आएंगे, 10-15 हजार लगा के आएंगे, या 11 हजार में तो पूरा दिन की रसोई। और कितने सुंदर साथ ने खाया, और ये भी जीव नहीं, किसने खाया? परम धाम के ब्रह्मात्मा सुंदर साथ ने, और राज्य का भोग लगा। तो ऐसा काम हम क्यों ना करें?
और यह बताया मुक्ति सेवा तूने सु कहू तू अंतर आडो टाल अनेक विध सेवा तनी तूने उपज से तत्काल। मैं रोज ही सेवा बता रही हूँ, मैं कितनी सेवा आपको कहूँ। आज 10 दिन से तो ये चर्चा कोई कोई रूप में हो ही रही है, मैं कितनी बताऊँ। तू अंतर आडो टाल मतलब जैसा बाहर होते होवे तैसा दिल, जैसे तुम बाहर दिखावा करती हो ने वैसा ही दिल बना दे, तो तेरे अंदर भी इंद्रावती की आत्मा की तरह तेरा भी अंतर चक्षु खुलेंगे, प्रेम सेवा का भाव आएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या चाहिए आश्रम में या पुरी में या मंदिर में या स्थान में क्या जरूरत है, पूछने की नहीं। आप तो बंद आंखों से बस आप लुटाओगे। देखो ना ब्रज में नंद जी के घर पता नहीं अभी पहचान नहीं है तो भी चारण भाट गुणीजन सबको लुटा रहे हैं कि मेरे घर आनंद आया। आपको तो अक्षरातीत की पहचान हो गई है, चाहे पूरा ब्रह्मांड लुटा दो ने तो भी कम है। अंतर आडो ताड़ अनेक विध सेवा तनी, तो तेरे अंदर बहुत सी सेवा का भाव आएगा कि मैं क्या सेवा करूं, शारीरिक करूं, तन की करूं, धन की करूं, मन से करूं या ज्ञान की करूं। लेकिन सबसे ऊंची सेवा, सब सेवा का भाव अपनी जगह, सब सबका महत्व है, लेकिन सबसे ऊंची सेवा राज्य को प्रेम से रिझाने की है कि बस अपने धाम दिल में, वो भी जरूरत तो पड़ेगी वो भी करो, लेकिन ये करते करते साथ में क्या करो, साथ में अपने धनी को रिझाने की, धाम दिल में बैठाने की भी अपनी अंदर सुंदर सा जी सेवा करो। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। हम सूत्र में पढ़ते हैं ना, तुम प्रेम सेवागे सेवा से पाओगे पार। तत्काल अंदर से विचार आएंगे, या इंद्रावती की आत्मा विचार कर, मतलब मिहराज विचार कर रहे हैं, और इतना ही विचार आया तब सोचा कि चलो ये संसार तो माया का है, परम धाम का नहीं, कि इच्छा करूँ और सब चीजें हाजिर हो जाए, तो यहाँ कोई लौकिक कार्य संभालना पड़ेगा और इससे ही अर्थोपार्जन धन संपत्ति एकत्रित हो। और देखो उसका विचार भी, हम तो अर्थोपार्जन का लौकिक कार्य तो हम तो पूरा दिन सोचते रहते, ध्यान से सुनो, लेकिन परिवार के चार रिश्तों के लिए है। यहाँ मिहराज का विचार यही नहीं, आप सोचना जो प्रसंग में गहराई से बताने जा रही हूं, एक एक हमारे सब परिवार पर घटित होते हैं। हम भी बहुत गहराई से सोचते हैं, लेकिन किसके पीछे हम मर रहे हैं? परिवार के चार रिश्ते के लिए तो सर कोई मरता है, जो धर्म के लिए कोई मरे, राज्य के लिए कोई मरे, उस पर अपना सब कुछ कुर्बान करे, वही ब्रह्मात्मा की पहचान है। इंद्रावती केशवराय ठाकुर के घर में जो 5 भाई साथ में रहते हैं, पूरा बड़ा परिवार है, उसके लिए कमाने के लिए नहीं बोल रहे यहाँ कि धन उपार्जन करके मैं परिवार सुख चैन से रहे, शांति से रहे, जिन अपनी लाइफ बिताए, ये नहीं है विचार। उसके अंदर तो सुंदर साथ की सेवा करने का विचार है कि बस मैं धन उपार्जन करूं तो ऐसा करूं कि मैं यहाँ के राजा के मंत्री के सचिव वजीर के पद पर मैं सेवा संभालूं। तो ये विचार आके वो सीधे बिहार जी महाराज को मिलते हैं। देखो बिहार जी महाराज गद्दी पर बैठे ने, उसकी आज्ञा का भी पालन करते, उसके निर्देशन पर चलते हैं। एक एक बात में कितनी बातें छिपी है। यहाँ भी मान लो कि कोई भी नेतृत्व करने वाली व्यक्ति हो, चाहे संस्था मंदिर या कोई भी स्थान को लेकर, तो उसी को पूछकर चले तो पूरी संस्था एकदम शांति से चलेगी, सब अपने अपने विचार पर चलेंगे, सब अपने अपने मन पर चलेंगे, तो कोई दिन संस्था आगे बढ़ेगी, उसका विकास नहीं होगा। यहाँ यह बताया कि बिहारी जी महाराज को पूछ रहे कि मैं ये सचिव वजीर का पद में संभालूं, बिहारी जी महाराज ने आज्ञा दी, उसने वहां सचिव का पद संभाला। उसके बाद
सब जिम्मेदारी अपने सिर पर आ गई। अब राज दरबार में भी जाना पड़ता है, सुंदर साथ के बीच में आके चर्चा भी करनी पड़ती है। हम बोलते ना कि राज्य का करे तो धन वो लौकिक कार्य बाकी रह जाते हैं, लौकिक करे तो राज्य का छूट जाते हैं। बोलते ना कि कैसे पहुंच पाए, सब जिम्मेदारी सिर पर है। देखो एक एक प्रसंग में राज्य क्या समझा रहे हैं कि दोनों जिम्मेदारी, सुंदर साथ को संभालने की, उसकी चर्चा चितवनी का सुख देने की, और राज दरबार की जिम्मेदारी भी अपने सिर पर आई, सच्ची पद की भी। तो भी बिहार जी महाराज की चर्चा दोनों टाइम सुनते थे मिहराज, अपनी चर्चा में भी व्यधान नहीं आने दिए। इतना नहीं, रोज उसके दर्शन के लिए तो जरूरी जरूर वो जाते थे रोज ही, क्योंकि डर था। बिहार जी महाराज का स्वभाव को भी वो जानते थे और चर्चा सुनते थे, दोनों टाइम दर्शन के लिए भी जाते थे। तो बोझ अधिक बढ़ने लगा तो सुंदर साथ की चर्चा में थोड़ा व्यधान भी आने लगा। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं ऐसा करूं, ब्रह्म मुहूर्त में मैं जल्दी उठ जाऊं तो दोनों काम हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे तक चलता है, उससे पहले मेरी जो नित्य क्रिया है वो भी काम पूर्ण हो जाए, बिहार जी महाराज का दर्शन भी हो जाए, वहाँ चर्चा भी सुन लूँ, फिर राजकोष की वो जिम्मेदारी भी संभाल लूँ। तो रोज ही अपने को कष्ट देने लगे, मतलब ऐसी साधना से वो पास होने लगे। और आगे सुंदरसा जी राजकोष से, राज दरबार से जब वापस लौटते थे तो सुंदर साथ के बीच में आके शाम को 4:30 बजे आते थे। कितने बजे? शाम को 4:30 बजे आते थे और रोज चितवनी करावे धाम की। रोज मेहराज परम धाम की चर्चा भी करते थे और चितवनी भी कराते थे। कैसे कराते थे कि सुंदर साथ जी, मैं शॉर्ट रूप में, जब हम अष्टपहर में जाएंगे ने तब मैं विस्तार से बताऊंगी। इसलिए मैंने आज, मेरे दिल में एक सुबह को विचार आया कि मैं यहाँ चितवनी कराऊंगी आज के दिन, तो ऐसा होगा कि अभी घूमर जी तो, बन्ना जी तो हम पहुँचे ही नहीं हैं, अभी तुम कहाँ हैं? जामनगर में है ना, तो मैं वैसे घूमर जी की सेवा का भाव लेकर भी कैसे चितवनी कराऊँ प्रसंग के अनुसार। बाकी तो वैसे जागणी की अंतिम लीला में है हम, तो मैंने सोचा कि चितवनी सिर्फ बस एक थोड़े कुछ मैं बताऊंगी कि यहाँ जहाँ जिस आसन पे हम बैठे हैं वहाँ हम पद्मासन या सुखासन की एक स्थिति बना के पोजीशन में हम बैठ जाए, फिर हम तारतम का मौन जप करते हुए हमारी होठ और जिह्वा भी न हले इले, और अंदर सद्गुरु महाराज युगल स्वरूप का भाव लेकर हमारी आत्मा को हम 14 लोक शून्य निराकार नारायण को पार करते हुए बेहद भूमि का अखंड ब्रजराज की लीला को देखते हुए परमधाम की दिव्य भूमिका पर हमने प्रवेश किए। वहाँ सर्वरस सागर से आगे छोटी रंग चारा रहवेली वन की नहर, महावन मधुवन बड़वन को पार, माणिक पहाड़ की हद में पार करते हुए, जवेरों के नहरों की पार करते हुए, अक्षरधाम को पार करते हुए, आगे 7 वनों को पार करते हुए, जमुना जी के उत्तर की ओर केल पुल पर पहुंची, केल पुल से दक्षिण की ओर मोड़कर पाट के घाट आई, पाट के घाट मैंने परातम का श्रृंगार तो वैसे यहाँ से ही कर लिया था, लेकिन वहाँ भी परातम के श्रृंगार का जमुना जी में जीर्णा करते समय मैंने भाव लिया। वैसे जीर्णा तो प्रेम का करना है, एक दिली का करना है, अंदर प्रेम और भाव भरना है, और ये भाव में मैंने देहुरी में श्रृंगार किए, प्रेम के श्रृंगार किए,
फिर मैं जलरोस पर चलती हुई 3 सीढ़ियाँ चढ़कर पाल पर आई। पाल से मैं अमृत वन की रोस पर चलते हुए चांदनी चौक हमारे आंगन में पहुंची। वहां से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई धाम चौक में पहुंची। धाम चबूतरे को देखा, अंदर दरवाजे में प्रवेश किया, 28 स्तंभ को चौक को देखा। 28 स्तंभ के चौक को देखते हुए 4 चौरस हवेलियाँ, प्रथम चौरस हवेली रसोई की, उसके बाद 3 चौरस हवेली को पार करते हुए मैं मूल मिलावे में पहुंची। अपने मूल तन में प्रवेश करके बीच में सिंहासन पर जो 1000 पंखुली के कमल के समान गलीचे में जो चित्र की एक आकृति बनी है, उस पर जो सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है, उस भाग को मैं निहारने लगी। सुंदरसा जी ऐसी चितवनी, क्योंकि राज्य हमारी आत्मा को बार बार बस वही सुख में डुबोना चाहते हैं, तो यहाँ मिहराज शाम के 4:30 बजे चर्चा चितवनी का सुख भी देते थे। बस रोज सुंदर सात के बीच में चर्चा, सत्संग, चितवनी, यही कार्यक्रम चलता रहा। और उसके दिल में विचार आया कि राज दरबार से जो मेरे को जो धन मिल रहा है, उससे मैं घर में घी, खांड, गुल, मैदा, ये सब एकत्रित करूं, क्योंकि वो सब एकत्रित करूंगा तो सब सुंदर साथ थोड़ी मायावी झंझटों में पड़े रहते हैं, घर काम में भी व्यस्त रहना पड़ता है, तो चर्चा चितवनी में वो बैठ नहीं पाते, पूरा दिन वो सुख नहीं ले पाते, तो ये सब एक ही घर गंगजी भाई के घर सब एक साथ बैठकर ये सुख ले चर्चा चितवनी का, वो दिल में भाव आया, तो अपने घर में वो सब सामग्री एकत्रित करने लगे। और इसीलिए ये सामग्री एकत्रित करने के लिए उसने एक सुंदर साथ को भी खड़ा किया और सुंदर साथ को बोला कि तुम कुशलता से अपनी पूरी बुद्धि की चालाकी, मतलब पूरी बुद्धि बुद्धिमत्ता से और पूरी कुशलता पूर्वक इसमें किसी भी चीज की कमी ना आए, ऐसे आपको एकत्रित करना है और सुंदर साथ की सेवा करनी है। और ये भी काम सौंपा कि तुम बिहारी जी महाराज गद्दी पर बैठे हैं तो उसके वस्त्र, उसके आभूषण महंगे महंगे ऐसे बनाओ, क्योंकि हमारे सद्गुरु की गद्दी पर वो बैठे हैं। देखो दिल के भाव। इतना नहीं, और भी सौंपा ये सुंदर साथ को कि उसके जो नागजी भाई है, जो गोद लिए हुए पुत्र, उसके लिए भी बाघा, उसका वस्त्र आभूषण और एक कटार भी बनवाओ, और सुंदर साथ के लिए प्रचुर मात्रा में और घी खान जो है वो जितना चाहिए वो सब एकत्रित करो। तो सुंदर साथ ने अपने सिर पर पूरी जिम्मेदारी ले ली, सब एकत्रित भी कर लिया। तब बिहारी जी ने जाके सुंदर सा जी वहां के राजा को चुगली कर दी। के मिहराज, आपके राज घराने से, राज दरबार से चोरी करके वहां का धन अपने घर में लाके पूरा वहां एकत्रित कर रहे हैं। तब वहां के राजा आए और सीधे सुंदर साथ जी वो आंख के अंधे थे और दिल के भी अंधे थे, कान के बहरे थे, मतलब बाहर की भी आंख नहीं थी और अंदर की भी नहीं थी, कान के भी बहरे थे। उसने सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या से क्या है, उसकी जांच नहीं की और सीधे ही दोनों को, किसको, मिहराज और उसके दोनों भाई उद्धव ठाकुर और श्यामलिया ठाकुर, तीनों को जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, अपने घर में जो एकत्रित की हुई सब धन संपत्ति, ये अनाज सब कुछ अपने राज दरबार में जब्त कर लिया और तीनों भाई को कहां नजर बंद कर लिया। आज का जो जामनगर है, नवा नगर, उस वहां हबसा करके प्रबोधपुरी
में नजर बंद कर लिया। उसको अभसा इसलिए कहते हैं सुंदर साथ जी, उसका आधुनिक नाम इथोपिया है। जब मोहम्मद साहिब के टाइम उसके अनुयायी, जब वो इथोपिया के जो राजा थे अनुयायी, वहाँ जाके सोलहवें सिपारे के सूर्य मरियम जब गाने लगे, तो वहाँ के राजा ने सुना और हाँ, वहाँ के राजा ने मोहम्मद साहिब के जो अनुयायी, एक बार मैं फिर ये बात को आगे ही रखूं कि इथोपिया उसका आधुनिक नाम है, वहां एक बार मोहम्मद साहिब के अनुयायी गए, क्योंकि मक्का के विरोधियों के प्रबल होने के कारण, तो वहां के राजा ने पूछा कि तुम्हारी मान्यता क्या है, और तब जाके मोहम्मद साहिब के अनुयायियों ने बोला, सूर्य सोलहवें सिपारे के सूर्य मरियम को सुनाया और वहाँ के राजा ने सुना और वो विरह में डूब गए। उसी को लेकर ये बताया है कुरान के प्रमाण को लेकर कि इंद्रावती की आत्मा जब नज़र बंद हुई, मतलब मिहराज जब नज़र बंद हुए, तो इंद्रावती की आत्मा जब अवसा में नज़र बंद हुई, तो उसी टाइम ये तारतम वाणी का जो अवतरण होने वाला था, तो अंदर जाके जब विरह में डूबी, उसके बाद ये तारतम वाणी का अवतरण हुआ। अवतरण के बाद इंद्रावती की आत्मा को जब अपना स्व का बोध हुआ और संसार को अखंड मुक्ति देने वाली वाणी का भी अवतरण हुआ, तो उसी को कुरान में हब से कहकर संबोधित किया है। तो उसमें सुंदर साहब जी नज़र बंद किया और वहाँ अक्षरातीत का जो एक बोध प्राप्त हुआ, एक तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उसको प्रबोध मिला ने, इसलिए उसको प्रबोध पूरी पे कहा गया है। तो जैसे ही नजर बंद किया तीनों भाइयों को, तो इंद्रावती की आत्मा वीरा में डूबने लगी और विचार करने लगी कि धनी, ऐसा तो मैंने निजानंद संप्रदाय दीने इस्लाम का विरुद्ध क्या कार्य किया, मैं तो सुंदर साथ को एक ही जगह एकत्रित करके सबको चर्चा और चितवनी का सुख देना चाहती थी, मेरे मन में तो क्या उम्मीद थी कि सब एक साथ एकत्रित हो और सब एक जगह बैठ के भोजन प्रसाद ले, चर्चा चितवनी का सुख ले, तो मेरे दिल में तो यही उम्मीद थी और आपने तो पूरी राह ही बदल दी। धनी, मेरे पर इतना अत्याचार, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इस राह पर मोड़ दिया। और ऐसे विचार करते करते वो गहन विचार में इंद्रावती डूब गई, विरह में डूब गई। विरह में डूबते डूबते सुंदरसा जी हबसा में 6 मास, कितने 6 मास पूर्ण हुए। 6 मास के बाद वीरह की अवस्था पराकाष्ठा पर पहुंची, तो यहाँ बताया कि आए देवचंद्र जी दिल पर आके बैठ गए। तो देवचंद्र जी नहीं, देवचंद्र जी नाम के तन के अंदर जो युगल स्वरूप सुंदर भाई श्यामा जी स्वरूप जो विराजमान थे, वो आके कहाँ बैठ गए। तो जब इंद्रावती वीरह में डूबते डूबते 6 मास के बाद जब अवस्था प्राप्त हुई, तो देवचंद्र जी के अंदर जो स्वरूप बैठे थे वो साक्षात इंद्रावती के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया और दर्शन देने के बाद इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो गया। जैसे ही विराजमान हुआ, तब वाणी के सुंदरसा जी जो ये चौपाया है, विरह ना देवे बैठने उठने भी ना देवे, लोट पोट भी ना करे, हुक हुक श्वास ले। विरह कैसा होता है इस चौपाई के माध्यम से बताया। सुंदर सा जी समय नहीं है, पूर्ण तो हो गया लेकिन इस प्रकरण को पूरा करना है, मैं ज्यादा भाव नहीं बताऊंगी, लेकिन 5-7 मिनट में प्रकरण को हम पूरा करें। और आगे बताया
जब आंसू के अंग थे तब श्वास भी छोड़ियो सांग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपन अंग, सन्मंद हे मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, सन्मंद ए मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, तुम आए सब आईया दुख गया सब दूर, मामती कहे ए सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जा। सुंदर साहब जी इस चौपाई के माध्यम से क्या बताया कि ये धनी जब तुम साक्षात थे, ए सतगुरु तुम साक्षात थे, मैं पहचान नहीं पाई, जैसे संसार के लोग गुरु मानकर कोई सतगुरु ऐसे मानकर बैठ जाते बस एक गुरु की तरह बस उसके साथ व्यवहार करते, मैं भी ऐसे एक संसारी रिश्ते की बराबरी कर ली, मतलब ऐसे ही मैंने माना, मैं आपके अंदर बैठे हुए स्वरूप को मैं पहचान नहीं कर पाई। एक किरंतन ग्रंथ में बताया मेरे धनी मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान सो रोऊ मैं याद कर कर जो मारे है तके बान, मेरे धनी धाम के दुल्हा। क्या बताया कि हे धाम के दुल्हा मैं उसी टाइम आपकी पहचान नहीं कर पाई, सो रोऊ में अभी अब से मैं प्रबोधपुरी में नजर बंद हूँ, सामने आपका स्वरूप तो दिखाई दे रहा है धनी लेकिन नूरी स्वरूप है, मैं क्या करूँ, अब मेरे को साक्षात जो सतगुरु धनी देवचंद्र जी का तन था वही स्वरूप में रिझाना है तो कैसे रिझाऊँ, वो तो स्वरूप रूप अदृश्य हो गया, स्वरूप तो मेरे धाम दिल में बैठ गया, तो क्या मेरे अंदर बैठे हुए स्वरूप को रिझाने के लिए जो साक्षात सुख मिलता है वो तो नहीं मिलेगा ने। और आगे क्या बोला, वैसे तो बहुत सी वाणी में चौपाइया है, उसमें बताया कि धनी तुम चले गए तुम्हारे बिना ब्रज रास की अखंड बातें कौन करेंगे, ये कबीर जाति के वचन कौन सुनाएंगे, ये माया ब्रह्म के निवेड़ करके कौन बताएंगे, तारतम ज्ञान हाथ कर दीन हो क्षीर नीर को निर्णय किन हो, ये कौन करके बताएंगे, बहुत से पश्चाताप अवसा में नूरी स्वरूप के सामने, क्योंकि पहले देवचंद्र जी का रूप दिखाई दिया, फिर उसके अंदर श्यामा जी दिखाई दी, उसके बाद युगल स्वरूप के दर्शन, वही स्वरूप जो विरह करने लगे तो धाम दिल में बैठ गया, इतना नहीं वो स्वरूप तो अंदर बैठ गया, राज्य के आवेश और जोश भी अंदर बैठ गया, और उसके बाद रास की रामत शुरू हो, नहीं ठाकुरानी जी का सिंगार शुरू हो गया, पहला क्या हुआ ठाकुरानी जी का सिंगार, जो रास ग्रंथ है उसका जो पहला पांच प्रकरण है, अबे पहला मोजल की कहू बात, माया गई पोताने घेर, बुंडा जीव जाग जेरे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, इन्हें पगले आपन चालिए, ये पांच प्रकरण आप छोड़ दो, छठा नंबर का प्रकरण ये रास का प्रथम प्रकरण है, अखंड स्वरूप की अस्थिर आकारे घणवे अस्थिर आकारे शोभा कहू घणवे करीने स्नेह,
जोई जोई वचन आणु काय ऊंचा पर न आवे वाणी माहे तेह शोभा सिंगार श्यामा जी ने वर्ण ऊजी। ये पहली जो ठकुरान जी के सिंगार से शुरू हुआ तो बाद में राज जी का तो उतरना ही था। उसके बाद सुंदर साथ का जो ग मायानो देह धरी ने श्री श्यामा जी थया रे तत्खिण तिया तेणे ठामे मारे साथे की धोसी न गार रे। सुंदर सा जी समय नहीं है, बहुत लंबा नहीं गाना, अब बस थोड़ी कुछ 5 मिनट की चर्चा रही है। तो यहाँ बाद में हमारा सिंगार उतरा जोग माया का देह धर के योग माया ब्रह्मांड में, पहले ठकुरान जी का, श्रीराज जी का, और जैसा वैस उसका था राजी श्यामा जी का वैसा ही हमारा। तत्क्षण तिया तेणे ठामे मेरे साथे की दो सिंगार। और उसके बाद फिर रास की रामते आँख मिचामनी कोनिया की कुमलड़े की आम की करताल की ऐसी बहुत गढ़ की बहुत सी रामत उतरने लगी। रास के रास को इंजिल कहा गया है, तो कतेब में इंजिल कहा गया है। और उसके बाद जंबूर प्रकाश को जंबूर कहा गया है। उसके बाद प्रकाश की वाणी उतरी। उसके बाद इंद्रावती के धाम दिल में विरह की अवस्था पराकाष्ठा पर पहुंची, विरह का रस फूटा तो खटरुति की वाणी उतरने लगी। खटरुति की वाणी उतरने लगी। और उसके बाद सुंदर साजी कलश की दो छुपाई उतरी, और बाद में कलश सूरत में पूर्ण हुआ। और कलश के बाद सनंद अनूप शहर में उतरा, और प्रकाश की कई वाणी जब दीव जाते हैं तब श्री जी नाव में बैठते हैं, तो बेहद वाणी के अमुक अंश प्रकरण वहाँ दीव बंदर में भी उतरते हैं नाव में। बेहद के साथी सुनो, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी। सुंदर सा जी गाना तो बहुत आता है लेकिन समय नहीं है। महादेव जी को, भगवान जी को पूछे बेहद वाणी, ये प्रकरण वहाँ उतरता है। कुछ रास की अमुक अंश किरंतन मेरते में भी उतरते हैं, और किरंतन सनंद ग्रंथ अनूप शेर में जब श्री जी पोठी पर ऊँट पर बैठ के जाएंगे तभी सनंद जिसको कहा गया है कुरान 30 सिपारा 30 प्रकरण 42 उतरेंगे, उसमें बाद हिंदू परंपरा के जोड़ जाएंगे। तो वहाँ कुरान सनंद भी उतरता है अनूप शहर में। उसके बाद किरंतन जामनगर से लेकर जिस जिस स्थान पर गए वहाँ सुंदर साथ या कोई भी आत्माएं मिली उसी के हिसाब उतरते गए, और पद्मावती पन्ना तक किरंतन उतरते हैं। उसके बाद किरंतन के बाद खुलासा रामनगर खिलवत की वाणी कुछ रामनगर से शुरू हो जाती है। इसके बाद परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत तक की वाणी रामनगर से तो शुरू हो जाती, लेकिन सब उतरती है पूरी पन्ना में। कहाँ उतरती है? पन्ना में। और क्यामतनामा, छोटा क्यामतनामा पन्ना में, बड़ा 1743 में श्री जी को जब वसंत सुरखी चित्रकूट में लेके जाते हैं तब बड़ा क्यामतनामा तब उतरते हैं, जो छत्रसाल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा क्यामतनामा भी एक उतरता है, वो पन्ना में उतरता है। ऐसी हमारी रास से लेकर रास प्रकाश शत्रुति, बोलिए आप, रास प्रकाश शत्रुति कलश सनन किरंतन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत और क्यामतनामा।
कि पूर्ण वाणी सुंदर सा जीवा पूर्ण होती है। और अंतिम चौपाई बताए कि सात स्वरूप श्री राज के अंतिम आपके चौपाई लेके पूर्ण करे। तो यहाँ सातों स्वरूप में सुंदर सा जी और पन्ना धाम की परिक्रमा की बात कही गई। तो सातों स्वरूप में सुंदर साथ के समाज में अलग अलग मान्यता है कि कोई परम धाम की सात परिक्रमा लेते हैं, कोई सात खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत तक की लेते हैं, लेकिन कोई पांच अरसे अजीम और दो रास के स्वरूप को लेते हैं। लेकिन यहाँ पन्ना की बात कही गई है कि सातों स्वरूप श्री राज के सो सारे परनामी ने। तो पन्ना में राज्य के नक से सिख तक की जो सागर ग्रंथ के चौथे सागर दधि सागर में राज्य के तीन सिंगार उतरे, दो श्यामा जी और एक सुंदर साथ के, इसमें तीन सिंगार राज्य के और चार सिंगार सिंगार ग्रंथ के। ध्यान से सुनिए, सिंगार ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण आत्म फरामसी से जागे से लेकर चार पांच और छ, उसके बाद सात आठ नौ नहीं, फिर दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तक, ये पहला सिंगार। चार सिंगार बाकी रहा ना, तीन सिंगार तो सागर ग्रंथ में चौथे सागर में उतर गए, चार में पहला सिंगार रास सिंगार ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण से पांच और छह तक, सात आठ नौ नहीं, ठीक है, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तक का पहला सिंगार, फिर बीस में दूसरा, फिर इक्कीस में तीसरा और बाईस में चौथा सिंगार पूर्ण हुआ। तो उसके बाद अंतिम चौपाई हम दोहराते हुए सुंदर सा जी ये चर्चा को यहाँ हम पूर्ण करें। श्री महामती कहे ये मोमिनो ये हादी मेहंदी इमाम ताकि भी तक और कहो जो नूरदीन इस्लाम जो नूरदीन इस्लाम। या अंतिम चौपाई में बता दिया श्री महामती कहे हे साथ जी हमारे लिए हादी कौन है जो हिदायत करने वाला जो मार्गदर्शन देने वाला। तो यहाँ बसरी के बाद मलकी और दोनों स्वरूप आखिरी इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा कौन है, श्री प्राण नाथ जी ये हमारे हादी है और उनके द्वारा जो ये लीला का एक घटनाक्रम का प्रसंग जो वर्णन हुआ ये आपने सबने सुना, ये तात्म वाणी का अवतरण सुना। और कल सुंदर सा जी वाणी जो उतरी ये कल बिहार जी महाराज के चरणों में श्री जी रखेंगे, क्योंकि नजरबंद से निकलने के बाद कारागृह से निकलने के बाद अब मिहराज नहीं रहे, अब वो सबके प्राण नाथ श्री जी साहेब अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री राज जी कहलाए। तो कल सुंदर सा जी ये लीला में हम आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ चौपाई दोहराए, ठीक है। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम ताकि भी तक और कहो जो नूरदीन इस्लाम जो नूरदीन इस्लाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।